पहला पैराग्राफ इस स्टोरी में समझा हुआ और दूसरा पैराग्राफ देखिए राजा बदल गया। राजा बदल गया हमारे वाक्य से द किंग वाज चेंज्ड। राजेश ने राजा के पास सोने की सेना राजेश ने राजा के पास जाकर सोने का सिक्का देने उनकी और बढ़ते हुए जा रहा था लीजिए महाराजा आप इसे रख लीजिए। राजा जैसे मैं राजा हूँ मैं तुझे गरीब लगता हूँ जैसे देखिए राजा कैसे होते हैं बड़ा सम्मानित रहता है जैसे देखिए राजा होंगे क्या सोना चांदी जैसे वगैरह विधन है लेकिन राजा गरीब नहीं होता। लेकिन वे राजेश ने राजा के पास है और सोने का सिक्का उनकी ओर लेते हैं लीजिए महाराजा आप इसे रख लीजिए। बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो राजेश ने कहा कि एक साधु महाराजा ने कहा है कि सोने के सिक्का किसी गरीब को दे दो मैं तुझे गरीब लगता हूँ मैं राजा हूँ। राजा क्रोध से बोले मैं गरीब नहीं हूँ राजा क्रोध से बोले इसलिए वे क्या कह रहा था राजेश देखिए राजा कितनी बड़ी सेना लेकर वे क्यों जा रहे हैं। राजा आप अमीर होते तो इतनी बड़ी सेना दूसरे देश के लिए क्यों जा रहे हो। इसलिए वे आश्चर्य से और राजेश ने करुणा सर से बोला और उन्होंने कहा है कि मैं राजा हूँ मैं तुझे गरीब लगता हूँ। इसलिए वे क्या देने के लिए राजा की और बढ़ते गया सोने का सिक्का हमारे वॉर्डियर से सोने का सिक्का गोल्ड कॉइन। राजेश किसको दिया था राजा को दिया था। राजा कैसे होते हैं राजा एक देश को ज्यादा देश को जैसे परिपाल से बाद में और उनके क्या है उनके पास सोना चांदी वगैरह सब कुछ रहता है लेकिन राजा गरीब होते हैं नहीं ना राजा अमीर होते हैं। इसलिए वे राजेश ने कहा कि एक साधु ने कहा एक सोने का सिक्का राजा को लेकिन राजा तो बड़ा कीमती है नहीं देना चाहिए ना इसलिए साधु ने उसे क्या कहा था किसी गरीब को दे दो क्यों ताकि उसका पेट भर सके। लेकिन राजेश ने किसको दिया था राजेश ने राजा को दिया था। इसलिए वे राजेश ने अपने दूसरे देश पर इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जा रहे हैं इसलिए राजा अमीर होते तो भी दूसरे देश का क्यों आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वे देखे राजेश ने राजा की गलती का एहसास मालूमा। देखिए जैसे एक लड़का होने पर भी जैसे उसकी समझदारी कैसी है अच्छी है इसलिए उस दिन से क्या हुआ था राजा ने अपनी गलती का एहसास मालूमा उस दिन से राजा बदल गया और अपनी संपत्ति गरीब लोगों की गरीब वाले वाणिया से देखिए गरीब वाले पूर जैसे पूर पे पूर जैसे गरीबों की सेवा में खर्च आरंभ कर दिया। इसलिए तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए दूसरे की सहायता करना दूसरे की मदद करना और गरीब लोगों की सेवा करना। इसलिए राजा ने राजेश को इसी तरह से बदला गया। तो आज हमारा पाठ का नाम क्या है जैसे राजा बदल गया। राजा किस तरह से बदल गया राजेश ने एक एहसास दिखाया उनको क्या दिखाया था कि गरीब लोगों को सेवा खर्चा करना गरीब लोगों को दान देना ऐसे भी राजेश ने राजा को एहसास दिखाया राजा की अपनी गलती का एहसास हुआ इसलिए उस दिन से राजा बदल गए अपनी संपत्ति गरीब लोगों को खर्चा करना आरंभ कर दिया। इसलिए एक लड़का होने पर भी राजा को क्या हुआ था राजा को उनकी गलती का एहसास मालूम करा दिया इसलिए वे राजा तो बदल गए। तो आज हमारा दूसरा पाठ क्या है राजा बदल गया हमारे वाणियों से द किंग वाज चेंज्ड। इसी दिन से एक कहानी हमको खत्म हो गई। इसलिए देखिए कोई इंसान आने पर भी हमें क्या करना चाहिए एक दूसरे की मदद एक दूसरे की सहायता करना सहायता माने क्या है हेल्प एक दूसरे की हेल्प करना जैसे गरीब लोगों की सेवा करना यही है। लेकिन रास्ते में कोई वस्तु जैसे सोने का सिक्का होने पर भी क्या है हमें राजेश से सोच रहा था किस लिए सोच रहा था इस सोने का सिक्का मेरा नहीं किसी का गिर गया है। लेकिन एक साधु महाराज उसके पास आए थे वे एक सोने का सिक्का उनकी और लेते साधु ने राजेश ने साधु के पास गया और सोने का सिक्का उनकी और दिया था। लेकिन साधु ले सकेंगे लेकिन साधु नहीं ले सकते क्योंकि साधु एक तपस्या
से होकर उनकी जब मालाएं जपते रहते हैं। इसलिए राजेश ने क्या किया था, साधु ने इसको क्या बताया था, साधु ने एक गरीब को दे दो। लेकिन राजा ने क्या किया था, राजेश ने क्या किया था, राजा को दे दिया। राजा ने क्रोध होकर बोले, बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो करके राजेश को बोला। राजेश ने कहा, आप इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जा रहे हैं? दूसरे ने, आप एक राजा होने पर क्यों ऐसा? इसलिए राजा की गलती का एहसास मालूम हो गया। उसी दिन से राजा अपनी गलती का एहसास इसलिए जैसे अपनी संपत्ति गरीब लोगों को खर्च करना आरंभ किया। तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, गरीबों की सहायता करना, जैसे सेवा करना और कुछ गरीबों को दान देना हमारा कर्तव्य होता है। धन्यवाद।